के लिए लेके आए हैं सच का आईना। सच के आईने में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। सच के आईने में पहला सवाल हमारा है कि इस्लाम में सबसे पहला, सबसे बड़ा और इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं कि कलाम इलाही को आग लगाई, वो भी मुस्लिम युवक ने, ताज मोहम्मद ने। और ये नजारा उस दिन का दिखा रहे हैं जिस दिन आग लगाई थी तो पब्लिक ने, मुस्लिम समुदाय ने कितना जबरदस्त तरीके से विरोध जताया। लेकिन उसके अगले दिन पता चल गया कि आग लगाने वाला कोई और नहीं कलाम इलाही में ताज मोहम्मद है। उसके बाद सुबह में पुलिस ने उठा के जेल भेज दिया, जहां से संभवतः एक महीने के बाद उसकी जमानत हो जाएगी। अगर पुलिस ने रासुका नहीं लगाई और रासुका लगाई तो लंबा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ताज मोहम्मद ने तो सबसे बड़ा गुनाह करा, लेकिन उससे पहले एक मामला सामने आया था, आपको याद होगा, नूपुर शर्मा का, जो कि हमारे रसूल पाक जनाब सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी, जिसको लेकर भारत में खबर आग की तरह फैली और हर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ नूपुर शर्मा के खिलाफ। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय के जो कंट्री है, मुस्लिम मुल्क है, वहां भी उन लोगों ने आपत्ति जताई, भारत को आंख दिखाई। लेकिन आज भारत उन्हीं भारतीयों से सवाल पूछता है कि इतना बड़ा गुनाह और सजा इतनी कम, सिर्फ एक थाने में धारा 295, जो कि एक महीने में बाहर आ जाएगा। आखिरकार कहां है वो मुस्लिम देश जो आबाद नहीं उठा रहे? कहां है भारत के मुसलमान जो भारत के और जगह और जिलों में आबाद नहीं उठा रहे? क्यों? क्योंकि इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। उधर नूपुर शर्मा के मामले में तो भारत के अलावा, देश के अलावा विदेशों में भी इस तरीके को इस तरीके से गरमाया गया, मानो पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह, गुनाह तो था, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करी। जब नूपुर शर्मा के खिलाफ इतना जबरदस्त मुस्लिम समुदाय ने एक्शन लिया, तो आखिरकार आपको बता दें, जिसने कलाम इलाही को जलाया ताज मोहम्मद ने, उसके खिलाफ सिर्फ एक रिपोर्ट, वो भी थाना सदर बादार और शाहजहांपुर में, बाकी की यूपी में सन्नाटा। भारत में मुसलमानों में खौफ, आखिर क्यों? हमारे नबी पाक को आप देख लीजिए, जिन्होंने जंगे फतेह करी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दीन की खातिर छोड़ दिया। और इसके साथ कई मिसालें ऐसी हैं जो आपको याद होगी इस्लाम में, लेकिन सिर्फ जेल भेज दिया, बात खत्म, कोई आवाज नहीं, कोई सजा का कुछ नहीं, कोई किसी थाने में FIR नहीं। लेकिन नूपुर शर्मा ने जब नबी की शान में गुस्ताखी करी थी, तो उस वक्त भारत में यूपी के अंदर क्या नजारा था, यहां तक के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने भारी भरकम भीड़ अदा करके किस तरीके से नूपुर शर्मा का विरोध किया था, सबसे पहले वो नजारा देखिए। तो देखा आपने ये नजारा, आपने वो दिखाया नूपुर शर्मा ने जिस वक्त नबी की शान में गुस्ताखी करी थी, उस वक्त पूरे भारत के अलावा मुस्लिम देशों ने किस तरीके से विरोध जताया था, यहां तक कि मौलाना तौकीर रजा के बरेली में क्या कितना बड़ा जलसा करा था, वो भी देखिए। लेकिन आपको बता दें, इस्लाम में सबसे भारी गलती, सबसे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं, कलाम इलाही को आग लगाई ताज मोहम्मद ने, और उसको लेकर किसी तरीके का कोई विरोध नहीं। यहां तक शाहजहांपुर सिटी के अलावा, कहीं भी नगर के अलावा, देहात के मुसलमानों ने भी कोई FIR दर्ज नहीं कराई। और इसके साथ साथ आपको बता दें, पूरे भारत के अलावा मुस्लिम समुदाय से भी भारत के भारतीय समुदाय में, भारत के रहने वाले लोग, भारत के खास करके मुस्लिम के साथ साथ सारे भारतीय इस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं कि आखिरकार कलाम इलाही को आग लगाने वाले के विरोध में आखिरकार विरोध क्यों नहीं, भारत के अलावा उन देशों में क्यों नहीं विरोध, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह किया नूपुर शर्मा का तो ये गुनाह था कि उन्होंने नबी की, नबी पाक की गुस्ताखी करी थी, अभद्रता से उनका नाम लिया था। लेकिन ये जो नजारा आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा नजारा,
हालांकि आपको बता दें, शरीयत के अनुसार अगर इस्लाम में रोड़ा हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारी माँ, जो भी इस्लाम की राह में रोड़ा बन रहा है या इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, तो शरीयत इजाज़त देती है कि उसको हलाक कर दिया जाए। यहाँ प्रशासन से मांग भी नहीं करी गई कि उसको फांसी दी जाए। हालांकि आपको बता दें, अगर यही तरीका रहा तो एक महीने में बाहर हो जाएगा, लेकिन जिला प्रशासन उम्मीद है कि रिस्क नहीं लेगा और रासुका की कार्रवाई करेगा। रासुका की कार्रवाई करने से लंबे समय तक ये जेल में रहेगा। और अगर इस तरीके से, आपको बता दें, यही हवाला चलता रहा, जिस ये नज़ारा देखिए पहले आप, ये बीती रात का नज़ारा था, उसी दौरान का नज़ारा था। अब जब पकड़ गया, ताज मोहम्मद निकला, तो शांति हो गई। क्यों? क्योंकि कम से कम कानूनी सजा दिलाने का तो जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाना चाहिए था, या तो इसको फांसी दी जाए, वरना इसको इतनी लंबी सजा दी जाए कि ये जेल से बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने पर किसी भी समुदाय के धर्म स्थल को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि पागल है तो पागल खाने भेजा जाए, लेकिन हमने जो सूत्रों से पता किया है, पहले पागल था लेकिन इसकी मानसिक स्थिति इधर सही हालत में थी। हालांकि इसके पिता फल बेचते, इसके बाप फल बेचते। आपको बता दें, विजया बैंक के पड़ोस के मकान में ये परिवार रहता है, लेकिन इस शरारत के पीछे क्या कुछ है? हालांकि हमने स्टिंग ऑपरेशन हमारा चल रहा है, बहुत बड़ा हम खुलासा अब आपको दिखाएंगे, लेकिन एविडेंस प्रूफ हासिल करने के बाद, लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात कि भारत के लोग भारतीयों से ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार कहां गया इंसाफ। नुपुर शर्मा के लिए इतनी हाहाकार, और जिसने कलाम इलाही को आग लगाई ताज मोहम्मद के खिलाफ, आखिरकार ऐसी चुप्पी क्यों? أشهد أن لا إله إلا الله. If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.